दोस्तों, एक तरफ कोई भी देश में जब कोई नया टूरिस्ट जाता है, हमारे भारत में कोई नया टूरिस्ट आता है तो हम कहते हैं अतिथि देवो भव। लेकिन वही जब हमारे पड़ोसी देश आतंकिस्तान में कोई टूरिस्ट जाता है तो उसकी हालत कुछ इस प्रकार से हो जाती है जैसे कि वो जानवरों के बीच में आ गया। इस्लामाबाद से एक वीडियो वायरल हो रहा है, 14 अगस्त का ये वीडियो है, जहाँ पर एक अमेरिकी माँ और बेटी को दिखाया जा रहा है। ये भीड़ में कुछ इस प्रकार से फंस जाती है जैसे उन्हें लगता है आज इनका आखिरी दिन है। और यहाँ पे पाकिस्तान की जो जनता है, ये हम कह रहे पुरुष हैं, ये इनके साथ कुछ ऐसा व्यवहार, अभद्र व्यवहार करने लगते हैं जिसको देखकर ये जो माँ है अपनी बेटी के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाती है। और अजीब अजीब से लोग बैट टचेस कर रहे थे जिसको लेकर ये महिला बहुत ज़्यादा परेशान दिख रही है। ये वीडियो जब वायरल हुआ तो यहाँ पे दुनिया भर में इसकी आलोचना हुई और पाकिस्तान ने इस पर तुरंत एक्शन लेते हुए इस्लामाबाद के जो पुलिस ऑफिसर्स ने तुरंत वहाँ पे छापा मारा। और यहाँ पे बड़ी अजीब सी बात, मुझे कुछ समझ नहीं आई दोस्तों, वो पूरा क्राउड था इनको मोलेस्ट कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान की पुलिस ने सिर्फ 4 लोगों को पकड़ लिया और इन चारों को बलि का बकरा बना के जेल के पीछे डाल दिया है और इनके पर कानूनी धाराओं में कार्रवाई कर रहा है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ है हम समझते हैं। क्या पाकिस्तान को 4 लोगों को पकड़ने से वो सही होंगे या नहीं, समझना ये बहुत ज़रूरी है। दरअसल दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है इस्लामाबाद के अंदर, ये इन 4 बंदों की वजह से नहीं हुई है, ये हुई है पाकिस्तान की रेडिकल थिंकिंग की वजह से। अगर ये 4 लोग छेड़ते तो यहाँ पे पूरी जो भीड़ थी इनको पीट सकती थी, लेकिन अगर मैं क्या कहूँ, पूरा बाजार ही उस 2 महिलाओं को छेड़ रहा है, तो आप क्या कहोगे, ये यहाँ पे मुद्दा है। ओवरऑल दोस्तों, पाकिस्तान इस पर अपना भी लीपा पोती कर रहा है, हम कह रहे हैं इनको फांसी भी सुना देगा, ये भी हो सकता है कल को, क्योंकि भाई उनकी रेपुटेशन अमेरिका के आगे उनको बनानी है और वो किसी भी हद तक तलवे चाटने के लिए जा सकते हैं। ओवरऑल दोस्तों, अगर आप पर्सनली मेरा ओपिनियन सुने तो बेचारे इन 4 को पकड़ने की बजाय पाकिस्तान अगर अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पर काम कर ले अच्छे से, मदरसा से पढ़ाने के बजाय अच्छे एजुकेशन स्कूल वगैरह खोल दे, तो आज ये दिन ना देखना पड़े और सोशल अवेयरनेस को लेकर फैलाना होगा पाकिस्तान को। लेकिन क्या करोगे भाई, पाकिस्तान वाले स्कूल थोड़ी ना पढ़ने जाएंगे, उनको तो वहीं पढ़ाई समझ आएगी जहां पे धार्मिक पढ़ाई होती है, और इसी की वजह से पाकिस्तान का ये हाल है। और दोस्तों, आप इन 2 महिलाओं के ऊपर अपना क्या ओपिनियन रखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वैसे वर्ल्ड से जुड़ी हुई न्यूज को जानने के लिए सब्सक्राइब करें TX वर्ल्ड इन्फो।